हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों की वजह कनिष्ठ अभियंताओं की पदोत्तरी लटकी पड़ी है, पदोत्तरी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ का एक साथ 30 अप्रैल को इन्हीं हालातों में रिटायर हो रहा है। चूंकि यह सब गलती विभागीय आला अधिकारियों की है, इसलिए उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि विभागीय लेट लतीफी के कारण पदोत्तरियों पर जबरदस्त ठहराव आ गया, जिस कारण कनिष्ठ अभियंता 3 दशक से ज्यादा तक की सेवाएं देकर उसी पद से सेवानिवृत्त हो रही जिस पद पर उन्होंने ज्वाइन किया था। राजीव कुमार प्रधान जे एसोसिएशन, साथ में जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ ओपीएस देने के लिए और डीए देने के लिए। इसके साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से सबसे पहले तो ये मांग करता हूँ कि जो हमारी जेईओ की प्रमोशन रुकी है वो किसी कारण भी रुकी है, लगभग ये 2022 की हमारी पोस्टें हैं जो अभी तक फिलअप नहीं की गई है, लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोई प्रमोशन नहीं हो रही है। ऐसे तो जेईओ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अभी तक ये प्रमोशन नहीं हो रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि हमारी प्रमोशनें जल्दी से जल्दी हों। हमारी लगभग कोई 50 पोस्टें जो हैं इस टाइम खाली पड़ी हुई हैं। पीछे जो है हमारी ACR मांगी गई थी, लेकिन ACR जो है कुछ अधिकारियों की वजह से जो डिले हुई, अब उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ में जो ये प्रमोशनें हैं जल्दी जल्दी की जाए। एक हमारा साथी कल जो है रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उसने लगभग 20 साल तक विभाग की सेवा की, लेकिन उसको एक भी पदोन्नति नहीं मिली। और साथ में 2-3 बंदे और ऐसे हैं जो जल्दी ही विभाग से रिटायर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से द्वारा ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रमोशनें हों। और अब 24 तारीख को जो है हमारी BCC मांगी गई है द्वारा, तो BCC के बाद जो है लगभग 3 दिन का पीरियड दिया गया, लेकिन अभी तक BCC नहीं पहुँची है। तो मैं मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है वो ये विचार है कि किसी की भी प्रमोशन नहीं रुकनी चाहिए, और इसलिए वो अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। साथ में हमें जहां पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हमें बोलेंगे हम उनसे साथ कंधे। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय आला अधिकारी दोषी हैं जो समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ACR रिपोर्ट नहीं भरते, इससे उनकी पदोत्तरी के साथ साथ वह भविष्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पक्षपात न हो सके। इस कालखंड में व्यक्ति SDO और XCN के पद तक पहुंचाया जाता है, लेकिन PWD विभाग के कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। 15 SDO को प्रमोट OPS लागू करने के लिए आभार जताया। हिमाचल प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।